Hello students, I hope you all enjoyed your vacation. Now, after this long vacation, let's have a look at math subject which you haven't done during a long vacation. So, I'm going to take Maths Chapter 1 and the name of the chapter is Our National Fruit Mango. बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं लेकिन उन सब में मैंगो इज द नेशनल. ओके, मैंगो क्यों? अगर हम सोचे तो मैंगो एक बहुत प्यारा सा फ्रूट है और उसका कलर भी मस्त है, येलो कलर वाला. कई सारे ग्रीन होते हैं कच्चा, वो हमें खाने में बहुत अच्छा लगता है. तो जब हम परचेज करने जाते हैं मैंगोज, तब हम सोचते हैं कि एक किलोग्राम में कितने मैंगोज आएंगे. अगर आपको पता ही नहीं है कि कैलकुलेशन कैसे करनी है तो आप पैसे कैसे पे करोगे. यस, तो ये सीखेंगे हम इस चैप्टर में. उसके अलावा जो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो उसके बारे में देखेंगे. तो बिफोर आई स्टार्ट विद द नंबर्स, लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ अबाउट अबैकस, क्योंकि अबैकस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न मैथ्स एंड टू लर्न अबाउट फिगर्स एंड नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द अबैकस. हियर आई एम हैविंग टू फिगर्स एंड लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. राइट द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ईच अबैकस इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स. मतलब क्या है? राइट मतलब लिखने हैं, नंबर्स नंबर लिखने हैं, फिगर को देख के यहाँ पे नंबर लिखने हैं और उसका नंबर नेम भी साथ में ही लिखना है. ओके, तो शुरू करते हैं. आप लोगों को ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि नीचे की ओर जो लिखा हुआ बॉक्स है उसमें ये क्या है. सो दिस इज वंस, देन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड. ओके, ये कौन सा सिस्टम है? हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम है. तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड वो इंटरनेशनल में होता है लेकिन इंडियन में लैक. ओके, तो शुरू करते हैं ये वाला. तो वंस की पोजीशन पे कितने यहाँ पे सर्कल्स बने हुए हैं? सो देर आर थ्री. सो लेट्स राइट ओवर हियर वन टू थ्री. तो यहाँ पे थ्री. Then on the tens place it is one. तो यहाँ पे one. फिर next है one, two, three and four. तो यहाँ पे four. हमेशा एक चीज याद रखनी है कि numbers या digits लिखने से पहले हमेशा right side जाना है और right side से ही शुरू करना है ताकि हम लोग बाकी के digits left side पे लिख सके. ओके, देन कॉमा एंड लास्टली दिस टू, टेन थाउजेंड एंड थाउजेंड. दिस इज थाउजेंड एंड दिस वन इज टेन थाउजेंड. तो थाउजेंड की प्लेस पे है वन एंड टेन थाउजेंड की प्लेस पे है वन एंड टू. दो टू. सो दिस नंबर इज 21,430. आप सबको पता है कि नंबर्स को कैसे बोले जाते हैं तो ये आप लोग इजीली लिख सकते हो. तो लेट्स राइट दिस नंबर इनटू नंबर नेम. नंबर नेम सो 21,430.
क्लियर? तो सेकंड वन में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड लैक। आप लोगों को यहां से शुरू करना है। तो यहाँ पे कितने सर्कल्स बने हुए हैं ऑन द वंस प्लेस? वन, टू, थ्री, फोर। कितने सर्कल्स है? फोर। सो फ्रॉम द राइट हैंड साइड फोर। देन ऑन द टेंस प्लेस वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सो दैट्स राइट, सिक्स। देन ऑन द हंड्रेड्स प्लेस वन, टू, टू, देन कॉमा। इंडियन सिस्टम में हमेशा कॉमा थ्री डिजिट्स के बाद आता है फ्रॉम द वंस प्लेस। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, कॉमा। देन टेन थाउजेंड यहाँ पे है, लेकिन थाउजेंड पे कोई वैल्यू नहीं है, तो मतलब जीरो। व्हेनेवर देयर इज नो सर्कल ऑन एनी वन ऑफ दिस देन यू शुड पुट जीरो। ऑन द टेन थाउजेंड्स प्लेस इट इज वन, वन, देन अगेन कॉमा, लैक, वन, टू, थ्री। सो दिस नंबर इज 3,10,264। ओके, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, लेकिन ये कॉमास कैसे रखने हैं फिर भी कई बार भूल जाते हैं। हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम कॉमास विल कम आफ्टर हंड्रेड्स प्लेस एंड द सेकंड कॉमा विल कम आफ्टर 10,000s place. So first comma after 100s place and second comma will come after, yes, 10,000s place. So let's write the number name of the given number. So number name is 64. ये हो गया हमारा अबेकस। ओके, आप अपने आप भी ऐसे कोई भी ग्रिड बना के अपने आप बाकी के काउंटिंग कर सकते हो और नंबर नेम और नंबर लिख सकते हो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ओके, जब कभी भी हम लोग वर्ड्स देखते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि इसको नंबर में कैसे लिखें। तो बेसिक तरीका है, जैसे मैंने पहले समझाया अबेकस में, कि नंबर्स हमेशा राइट हैंड साइड फ्रॉम द वंस प्लेस वी नीड टू स्टार्ट। तो यही सेम चीज करनी है कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू राइट फ्रॉम फिगर्स एट दैट टाइम वी नीड टू राइट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। So first digit will be from the right hand side. So let's read the question and you can understand how to write the number. Okay, so 7,50,000। ये आपको पता होना चाहिए कि 7,00,000 में कितने numbers होते हैं। तो यहाँ पे एक example देख लेते हैं ताकि आप लोगों को easily समझ आ जाए। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रही हूँ, उसका हम लोग काउंटिंग करेंगे कि कितने डिजिट्स है। ओके, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग काउंटिंग करते हैं फ्रॉम द वंस प्लेस। सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड 1,00,000। 1,00,000 के बाद क्या आता है? 10,00,000। 1,00,000 के बाद 10,00,000। तो यहाँ पे अगर मैं 1 की जगह पे 0 डालूं और यहाँ पे 1, तो 1 इज ऑन द प्लेस ऑफ 10,00,000। ओके, तो अभी हम लोग ये वाला देखते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि नंबर्स कैसे लिखने हैं। इससे पहले ये वाला
hundreds, और ये वाला lakh, hundreds, और ये ones, tens and thousand, ये thousand, ये 10,000, okay? तो देखते हैं, 7,50,000, 50 पता चल गया, तो 50 को पहले यहाँ पे लिख दो, 50 अकेला है, ना कि यहाँ पे बाद में thousand, lakh कुछ भी लिखा है, तो जो लास्ट में होता है वो हमेशा वन्स और टेंस की प्लेस पे आता है। अभी आगे पढ़ते हैं पहले वाला 7,00,000, तो ये पता है इसके अकॉर्डिंग 7,00,000 कब आएगा, यहाँ पे कॉमा कर देते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे 0,0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो उसकी जगह पे 0,0, तो सिर्फ यहाँ पे 100 की प्लेस पे कोई नंबर नेम लिखा हुआ नहीं है, सो वी नीड टू राइट डाउन और हियर 0। लैक की पोजीशन पे 7 लिखा हुआ है, लेकिन 100 की पोजीशन पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो 1,000 की पोजीशन पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, और 100 की पोजीशन पे लिखा हुआ नहीं है, तो 100 का फोटो 0 रख दिया, और 1,000 की पोजीशन पे 0,0। आगे 7,00,000, तो सीधा 7, ठीक है। आगे देखते हैं 3,62,016, शुरू करते हैं फ्रॉम द राइट हैंड साइड, दिस इज 1,000 लिखा हुआ है, लैक लिखा हुआ है, तो 2 कॉमा पहले डाल देते हैं, लास्ट में है 16, 100 का कुछ दिया हुआ नहीं है, तो 100 की जगह पे 0, 16,16, 1,000 में लिखा हुआ है 62, तो 62, और यहाँ पे 3,00,000, 3,62,060, 100 की जगह पे कुछ भी नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो वी हैव टू पुट 0, सो दिस इज द राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर, ओके। So this is all about it today.